सैलरी आ गई? नहीं, अभी नहीं आई। हैं? क्यों? अभी तक तुम्हारी सैलरी क्यों नहीं आई? अरे यार, वो इस महीने ना 4-5 दिन की छुट्टी हो गई थी ना, तो बॉस ने मेरी सैलरी को ना होल्ड पर डाल दिया। ये क्या बात हुई, सैलरी होल्ड पर डाल दी? अरे घर के इतने सारे खर्चे हैं, ग्रोसरी के अलग, इलेक्ट्रिसिटी बिल के अलग, और मुझे किटी के 5,000 रुपए भी देने हैं, और तुम्हें अपने भैया के पैसे लौटाने हैं कि नहीं? अरे यार श्वेता, 2-4 दिन की बात है, कुछ ही बहाने मार देना यार। एसी की ईएमआई जानी है, अगर वो बाउंस हो गई ना तो उसकी जो पेनल्टी लगेगी वो तुम्हारा मालिक आके भरेगा क्या? अरे यार, मालिक ने ना सबकी सैलरी रोकी है, मेरी अकेले की थोड़ी ना रोकी है। हाँ तो पैसे कटवा के लिया थे। अरे नहीं दे रहा मालिक, तो क्या करूं, उसे गले से निकाल लूं? तुमने बोला ही नहीं होगा अपने बॉस को कि मुझे पैसे दे दो। अरे यार मैंने बोला था, नहीं दे रहा वो अब, तो मैं क्या करूं? और ईएमआई की जो पेनल्टी लगेगी उसे भर देंगे, अब कोई ऑप्शन नहीं है ना हमारे पास। अरे यार मुझे तो कुछ समझ नहीं आता, तुम इतनी छुट्टी करते ही क्यों? अरे यार मैं उस दिन बीमार था, भूल गई क्या तुम? अच्छा ठीक है, मान लिया तुम उस दिन बीमार थे, लेकिन बाकी के दिन क्यों करते हो तुम छुट्टियाँ? यार उस दिन हम पार्टी में गए थे तो रात को लेट आए थे, उसकी वजह से मेरी आंख नहीं खुली थी, जिसकी वजह से छुट्टी कर ली थी। और अगले दिन गाड़ी का टायर पंचर हो गया था, जिसकी वजह से मैं लेट हो गया, तो छुट्टी करनी पड़ गई। रोज रोज क्या बहाने बनाऊं मैं उनके सामने, उनको जवाब देते देते ना थक चुकी हूँ मैं। मेरा मन नहीं करता उन लोगों की शक्ल देखने का, लेकिन तुम्हारी हरकतों की वजह से ना मुझे उनसे बातें करनी पड़ती है। अरे यार तो दे देना जवाब, क्या हो गया, मजबूरी है मेरी। चुप करो, बेइज्जती होती है मेरी बहुत, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। अरे यार तुम तो मुझे ऐसे बोल रही हो जैसे तुम्हारी बेइज्जती करवाने में मुझे मजा आ रहा हो। क्या पता तुम्हें मेरी बेइज्जती कराने में मजे आते हो। और ये फोन ना तुम अपने पास रखो, जब तक हमारी सैलरी नहीं आ जाती तब तक करते रहो लेनदारों से बात, मेरा सर तो नहीं खाएंगे। बस करो, पक चुकी हूँ मैं तुमसे और तुम्हारे इन बहानों से, मुझे ना ये सब चीजें और नहीं झेलनी है। अरे यार श्वेता, हो जाता कभी कभी, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? अरे कोई जवान नाम की कोई चीज होती है कि नहीं होती है? अगर टाइम निकलने के बाद तुम पैसे दे रहे हो तो फिर क्या पैसे दिए? अरे यार अब तुम मुझे खाना भी दोगी या ताने मार मार के मेरा पेट भर दोगी? देखो ऐसा है, मैंने नहीं बनाया तुम्हारे लिए कुछ खाना, अगर तुम्हें खाने का मन कर रहा है या तो तुम ऑर्डर कर लो या तो किचन में लग के खुद ही बना लो। अच्छा तुमने खाना खा लिया क्या? अरे तुम खाओ अपना खाना, मेरा तो पेट भर गया है तुम्हारी बातें सुन के और तुम्हारी सैलरी से। अरे ये लो सैलरी। इतने सारे पैसे? एक मिनट, ये पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? कहाँ से आए क्या मतलब है, ये मेरी सैलरी है जो मुझे कल मिली थी। अगर तुम्हें तुम्हारी सैलरी कल मिल गई थी तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? यार मैंने सोचा था कि मैं तुमसे थोड़ा सा मजाक कर लूँगा, इस बहाने घर में थोड़ा हंसी मजाक का माहौल बन जाएगा, लेकिन तुमने अपने गुस्से को कंट्रोल ही नहीं रखा और मैंने उस गुस्से को कंटिन्यू रखा, और गुस्से में बात इतनी बिगड़ गई कि मैं तुम्हें बता ही नहीं पाया कि मैं तुमसे मजाक कर रहा हूँ और मुझे सैलरी मिल गई है, और तुम भी फिर गुस्से में चली गई थी कल। सॉरी सर जी, प्लीज़ माफ़ कर दो। ओके सुनो, क्या है ना कि मकान मालिक बहुत चिक चिक करती है, तुमने भी तो कल मुझे बहुत गुस्सा दिलाया। हाँ समझ सकता हूँ, और मैंने तुम्हें पैसे भी नहीं दिए इसलिए तुम्हें और गुस्सा आया। चलो ना ये सब बातें छोड़ देते हैं, तुमने खाना खाया, चलो साथ मिलकर खाते हैं। खा लिया मैंने, और अपने झूठे बर्तन भी धो दिए। यार तुमने क्यों धोए बर्तन, मैं धो देती। सोचा एक बात बोलूं, बात थोड़ी कड़वी है लेकिन सच्ची है, बीबी को अपना पति ना तब तक अच्छा लगता है जब तक वो बाहर से पैसे कमा के लाता है, जिस दिन वो कमाना बंद कर देता है ना वो अपनी बीबी के लिए क्या अपने परिवार सबके लिए बोझ बन जाता है। नहीं नहीं यार ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है श्वेता, पर तुम टेंशन मत लो, ना ही मैं अब छुट्टी करूँगा और ना ही कुछ बहाने मारूँगा, ऑफिस जाऊँगा और पैसे कमाऊँगा और हर महीने ना तुम्हें ला के दूँगा, तुम्हें अब किसी की नहीं सुननी पड़ेगी, और हम मर्दों का ना ऐसा ही है, हमें कोई नहीं समझ सकता, और हम मर्दों को ना हर हाल में अपनी बीवी अपने बच्चे अपने माँ बाप सबके लिए ना कमाना पड़ता है, चाहे आप बीमार हो या कुछ भी हो, और तुम इन पैसों को ना संभाल के रखना, देख लेना किसी को देना है। ठीक है मैं चलता हूँ। Yeah.